नहीं, मैंने मजाक नहीं कभी उड़ाया मैम न्यूज चैनल्स का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि न्यूज आजकल कमर्शियलाइज हो गए हैं। आप पहले की न्यूज पढ़िए, आपको पता है कई बार तो हम लोग न्यूज आपके चक्कर में देख जाते हैं। सीरियसली, आप इतना मतलब आप कत्ल की खबर भी सुना रहे हैं, तो बड़ा इंजॉय होता है हमारा, मतलब कि वहां पे ये हो गया, हम वाओ। पहले थोड़ा न्यूज चैनल्स ऐसे होते थे, मतलब ऐसी न्यूज सुनाते थे कि थके हुए बेचारे कि नमस्कार फलाने प्रधानमंत्री इधर आ रहे, ना इंटरेस्ट सुनाने वाले को होता था ना सुनने वाले को होता था। पर ये मतलब मजा आता है आप जैसे न्यूज पढ़ते हैं ना आप इसने स्टाइल से। मुझे पता है आप ऐसे बैठ के ना एबीसी भी पढ़ देना, एबीसी डी भी, तो उतनी ही रेटिंग आएगी कसम से। मतलब कपिल सवाल की शुरुआत यहाँ से करेंगे जी। महंगाई के इस दौर में लोग एक बीवी नहीं संभाल पाते हैं, आप तीन बीवियां संभाल रहे हैं, वाकई प्रोटीन शेक काफी पिया होगा आपने। देखिए ये तो मूवी तक ही ठीक है, रियल लाइफ में तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बीवी आप खुश कर दो, समझ लो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो सिर्फ फिल्म में है तो, पर काफी मजा भी आता है। नहीं, मतलब फिल्म में तीन बीवियों से भी आपका दिल नहीं भरा, तो एक गर्लफ्रेंड भी है साथ में जी। वो एक्चुअली तीनों बीवियां जो है मेरी वो देसी है, इंडियन है, जो गर्लफ्रेंड है जो वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, तो हमने स्वीडन से इम्पोर्ट करवाई है। और खास बात ये, नाम उसका दीपिका है, दीपिका है। हाँ, मैंने कहा दीपिका पादुकोण को कास्ट नहीं किया तो कम से कम उसका नाम ही दीपिका रख दो। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, राइटर ने ऑलरेडी लिखा हुआ था। और मुझे लोग कहते हैं कि आपकी चार हीरोइन है, मैंने कहा मेरे डायरेक्टर भी तो दो हैं। तो उस हिसाब से परिचय उनका भी करवा देते हैं। अब्बास जी, मस्दान जी हमारे साथ हैं, सब उनका एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, थ्रिलर्स बनाई हैं आपने, इसमें थ्रिल भी काफी कुछ होगा। एक आदमी की तीन बीवियां और थ्रिलर क्या होगा? नहीं, इसमें थ्रिल नहीं है, ये पिक्चर में बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी है और एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, तो इसमें थ्रिल है नहीं, क्योंकि थ्रिलर पिक्चर जो हम लोग बनाते हैं वो डिफरेंट रहती है, तो उसका टाइटल किस किस को प्यार करूं जैसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि कपिल अपनी तरफ से डायलॉग बोला करते थे उसमें? हाँ, 100% डायलॉग राइटर के पैसे बच गए। नहीं नहीं नहीं, अभी डायलॉग में है, इम्प्रोवाइज तो करते ही थे ना, क्योंकि कमाल का इनका ह्यूमर है और वही देख कर तो हमने इनको पिक्चर में कास्ट किया। आपको याद किया जाएगा इस फिल्म के लिए, कोई ऐसा डायलॉग है? एक्चुअली होता था कि क्योंकि कॉमेडी में इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती है, तो करते करते कुछ ना कुछ ऐसे मुंह से निकल जाता था, वैसा पर्टिकुलर तो कुछ याद नहीं है। इतनी चीजें आपके उस शो में, पर अरमान नहीं, अभी आज मैं शमशेर अकेला हूं भाई, पंजाब पुलिस शमशेर सिंह, याद है तुम्हें भाई? याद है? नहीं याद है मेरे को बता दे एक बार। मुझे बिल्कुल याद है, याद है मैं। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मैं कहता हूं भाई, मेरे को वर्ल्ड फेमस करा जिस आदमी ने, वो खुद वर्ल्ड फेमस हो गया भाई। जोरदार ताली इसकी पिक्चर के लिए। थैंक यू। मैं देख रहा हूं भाई जीतू जी डबल रोल, अब्बास मस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भाई, नाम तुम्हारा कपिल शर्मा जी, शर्मा बिल्कुल नहीं रहा है, मतलब चार चार को एक साथ संभाल रहा है। मैं शर्मा हूं तो शर्मा हूं, तो गुप्ता तो क्या गुप्ता था मैं? वेरी नाइस, सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा बड़ा कमाल का भाई, इसीलिए तो यहां बैठा हूं। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ भाई। पूछना क्यों चाहते हैं वैसे आप? पूछना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ड्यूटी छोड़ के आप न्यूज चैनल में घुसाए हैं, बाहर इतने माहौल खराब हो रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल लोग तोड़ रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, पूरी पिक्चर यही दिखा देगा ये। मैं पिक्चर के डालूंगा तो बताओ मेरे को, बताओ एक एक लाइन अपनी हीरोइनों के लिए, एली के लिए क्या कहोगे भी तुम? फैंटास्टिक। मैं कहूंगा भाई जिसको हाथ लगाती हो जाती मेली, वो है मजरी। फडनीस के लिए क्या कहोगे भाई? फैंटास्टिक। कमाल है भाई। मैं कहूंगा यार जाने तू जाने ना, मैंने जाने कितनी किस दे दी उसको, वो है मजरी फडनीस। आप यही सब काम कर रहे हैं? फ्लाइंग वाली दी है मैंने, फ्लाइंग वाली। और मैं कहूं यार धाराएं तुम्हारे पे लगाऊंगा बहुत सारी। अच्छा, और धाराएं लगाने के लिए थोड़ी देर में आऊंगा, अभी एक बार जोरदार तालियां वापस है तुम्हारी, ये एंकर है बड़ी सुंदर सुंदर, ध्यान रखना इनका। जी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा।